वेलकम दोस्तों, आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। मेरा नाम नीलम है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। वैसे आपको तो पता ही होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या है, पर आज हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ये क्यों आया, मतलब इसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अगर हम इन टर्म को डिफाइन करें तो नाम सबसे फर्स्ट क्या है, वर्ड है इसका सेल्फ, यानी इससे हमको ये समझ आ जाता है कि ये क्या करती है, खुद से ही चलती है ना, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग है। क्या है सेल्फ ड्राइविंग, यानी कि खुद से चलने वाली कार। तो इसमें ऐसा पॉसिबल क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ किया जाता है, इसी वजह से कार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो सेंसर्स है ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है या प्रेजेंट एक्टिविटी होती है इस बारे में इन सभी को पता होता है और कार धीरे धीरे मूव करती है। तो इसमें बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो जैसे इसमें कुछ है, रेडार है आपका, और इस पर बहुत सारे कैमरा का भी यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें यूज़ होता है। बहुत सी कंपनीज़ है जो क्या कर रही है, इस पर वर्क कर रही है, मीन्स क्या कर रही है, इस पर टेस्टिंग कर रही है इन फ्यूचर, क्योंकि क्या होने वाला है, जो आपका जो फ्यूचर होगा ना वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स का ही हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, बहुत सी कंपनीज़ है जैसे कि आपका BMW, ऑडी, फोर्ड, गूगल, ऐसे कुछ बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इस पर टेस्टिंग कर रही है, और बहुत ही जल्द क्या हो सकता है ये आपके घर के सामने भी मिले, मीन्स क्या पता आप खुद ही इसे खरीद लें, है ना, क्योंकि ऐसा मतलब गैसिंग किया जा रहा है कि 2030 तक ये रास्ते पे चलती हुई नजर आएंगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार्स के क्या हैं, कुछ लेवल्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये लेवल्स क्या क्या है। ये एक्चुअली 0 से लेके 5 लेवल है, तो हुए आपके टोटल 6। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ऐसे करते हुए क्या है इनके कुछ लेवल्स है, तो चलिए देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है NHTSA, ये जो सारे लेवल्स है वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किए हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल 0 है सबसे पहला आपका। लेवल 0 में क्या होता है, इसमें आपकी कार में एक ह्यूमन ड्राइवर होगा जो कि क्या करेगा, कार को ड्राइव करने का काम करेगा। चलिए देखते हैं कि लेवल 1 पर क्या होगा। इस लेवल में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस यानी कि ADS, ये क्या करेगा, आपके जो कार है उनके फीचर्स को और भी स्मार्ट बनाता है। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन ड्राइवर होता है ना उसको ये क्या करेगा, जो सिस्टम है ADS आपका, उसको वो स्टीयरिंग का काम, ब्रेक का काम, एक्सेलरेटर का काम, ये सारा जो काम है ना, मीन्स अलर्ट करेगा उसे कि कब इसे कैसे यूज़ करना है। इसमें जो आपका ADS होगा वो रियर व्यू कैमरा और सीट वाइब्रेशन का भी यूज़ करता है। ये उस वक्त काम आएगा जब उसे लगे कार को कि सामने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कुछ कंडीशन, यानी कि सामने कुछ प्रॉब्लम ऑकर हो सकते हैं, उस वक्त क्या करेगा ये जो ड्राइवर का जो सीट होगा ना उसे वाइब्रेशन मोड पे कर देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, ड्राइवर जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाएगा कि हाँ कुछ दिक्कत आने वाली है, तुम अलर्ट रहो। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं लेवल 2। इस लेवल पर क्या होगा, जो आपका सिस्टम है वो क्या करेगा, ब्रेक और एक्सेलरेटर ये दोनों जो काम है ना ये खुद ही कर लेगा। मीन्स अगर उसको लगे कि कब उसे ब्रेक देना है, कब उसे एक्सेलरेटर देना है, तो ये ड्राइवर को करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम क्या करेगा, तुरंत ही अलर्ट हो जाएगा, वो क्या करेगा, खुद ही ये जो काम है वो तुरंत कर लेगा। लेवल 3 में क्या होता है, ये कुछ कंडीशंस पर ही काम करता है, जैसे कि कार को पार्क करना। आपको तो पता ही होगा कि कार को पार्क करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत से अच्छे जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो भी कई बार सही तरीके से कार को पार्क नहीं कर पाते। तो कार की जो पार्किंग वाला काम है वो इसमें ये जो सिस्टम है उस पर हेल्प करेगा, लेकिन ड्राइवर को भी अलर्ट होना पड़ेगा कि कैसे, मीन्स दोनों का कोऑर्डिनेशन इस पर ज़रूरी है। तो इस तरह के कुछ फीचर्स है जो कि आपकी इस लेवल पर होगा। नेक्स्ट है आपका लेवल 4। इसमें क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है वो खुद ही क्या करेगा, ड्राइविंग के बहुत सारे जो काम है वो खुद ही कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि ड्राइवर का जो काम है वो पूरी तरह से आसान हो जाएगा, उसे अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि जो कैमरा होगा वो क्या करेगा, चीजों को खुद ही, मींस जो ऑब्जेक्ट है उनको क्या करेगा, वो खुद ही एनालाइज करेगा और खुद ही समझ जाएगा कि सामने जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। जैसे सपोज उसने देखा कि सामने ट्रैफिक है, तो वो ट्रैफिक में क्या है, मींस ह्यूमन है या कुछ व्हीकल है। अब व्हीकल है तो व्हीकल कौन सा है, 2-व्हीलर है, 3-व्हीलर है, 4-व्हीलर है,
इन सारी चीज़ों को भी वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। इवन सिग्नल ऑन है या ऑफ है, स्ट्रीट लाइट जल रही है नहीं जल रही है, मीन्स लाइट है या नहीं है, साइड पर कोई पेड़ है, ये सारी क्या करेगा, ये सारे तो ऑब्जेक्ट्स हुए ना, तो इन ऑब्जेक्ट्स को वो देख कर क्या करेगा, इजीली एनालाइज कर पाएगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग ये। नेक्स्ट है आपका लेवल 5, और आपको तो पता ही है कि लास्ट लेवल है, ऑफकोर्स ये क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। तो बिल्कुल हाँ, ये एडवांस ही है। इस लेवल पर क्या होगा, आपको बस क्या करना है, पैसेंजर की तरह जाना है और कार पर बैठ जाना है। मीन्स ये एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी बस पर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी फ्लाइट पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, बस आपका काम है जाना और वहाँ पर क्या करना, बैठ जाना। तो बिल्कुल आप भी लेवल 5 पे यही काम करेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी कार का डोर ओपन करेंगे और बैठ जाएंगे। जो कार है वो खुद ब खुद चलेगी, सारा काम खुद ब खुद करेगी और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। तो ये तो एकदम सुनने में एकदम ड्रीम जैसा लगता है ना, जैसे बचपन में हम देखा करते थे कि क्या होता था, जैसे कि हमने कोई कार्टून देखा तो उसमें क्या होता है कि जो कार्टून कैरेक्टर है वो कार पर बैठता है और कार अपने आप चलती है और उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। तो 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि आप ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार से इन्हीं रास्ते पर चलते हुए देख पाएंगे, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि वर्किंग प्रोसेस क्या है, मीन्स वर्किंग प्रोसेस क्या है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका मशीन लर्निंग और आपका न्यूरल नेटवर्क्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इन तीनों की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि कार एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली मूव कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग में बहुत से एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से क्या हो पाता है, हमारा जो काम है वो पॉसिबल हो पाता है। चलिए अब जानते हैं कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। एडवांटेज ऑब्वियसली आपका क्या हो सकता है कि जैसे कि हमको पता है कि हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो हम उसमें रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो चांस ही नहीं है कि मशीन उस रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करे। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है, जैसे कि हमको पता है क्या कि अगर सिग्नल ऑफ है तो हमको नहीं जाना है, पर कई ऐसे लोग होते हैं जो उस वक्त भी क्या करते, अपनी गाड़ी को निकाल लेते, जबकि बहुत बड़ा रिस्क है वो, पर उस वक्त उनको वो चीज़ समझ नहीं आती। और जैसे कि हमको पता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाला भी जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट है, पर उसके बाद भी लोग ये काम करते हैं। इवन हमें ये भी पता है कि मोबाइल को यूज करते हुए गाड़ी नहीं चलानी है, पर लोग वो काम भी करते हैं। लेकिन सिस्टम के साथ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें रूल रेगुलेशन सारी चीजें फीड कर दी है, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा, वो ना ही कम करेगा ना ही ज्यादा करेगा, और जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया है बिल्कुल उसी चीज़ पर वो काम करेगा। जैसे कि और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि रास्ता एकदम खाली है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में आता है, अरे चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मशीन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी, वो क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एनवायरनमेंट सब चीज़ों को एनालाइज करके वो उसी स्पीड पर गाड़ी चलाएगी जिस स्पीड पर उसे चलाना है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इससे क्या होगा, इन सारी चीज़ों से जो एक्सीडेंट्स है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सीडेंट्स के ही होते हैं। तो अब क्या होगा, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार का यूज़ हम सभी करने लगे तो क्या होगा, जो एक्सीडेंट्स है वो टोटली बंद हो जाएंगे। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये होगा कि जैसे कि हमने बताया, मशीन सारा काम कर ले रही है तो हम ह्यूमन की क्या ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है आपका, जो ह्यूमन ड्राइविंग वाला जो काम था ना, वो जो पोस्ट होगी वो बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो मशीन है वो ह्यूमन की जगह ले लेगी और सारा काम करेगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर कुछ पूछना है इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।